मैं अंदर नहीं जाऊंगा। जुनेद बेटा नहीं, जब तक वो खुद मुझे दरवाजे पे लेने नहीं आती मैं अंदर नहीं जाऊंगा, वरना मैं समझूंगा कि उनके घर में मेरे लिए जगह नहीं है। घर की मालिक तुम हो और मालकिन की मर्जी के बगैर वो इस घर में कदम नहीं रखे। क्या तुमने उसे माफ कर दिया? बताओ। जो कुछ मेरे साथ हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी जुने, वो मेरी खुद की गलती थी। हम दोनों अपनी अपनी गलतियों की सजा काट रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो देखो, कानूनी सजा तो मैं काट आया, अगर बाकी की सजा हम मिलके काट लें तो। हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल चौराहा के लास्ट एपिसोड के बारे में, किसके लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में जब जुनेद सजा काट कर घर वापस आएगा तो उसे एहसास हो जाएगा कि जो कुछ उसने किया अपनी फैमिली के साथ उसने बहुत बुरा किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने अबू को कहेगा कि मैं इस वक्त तक अंदर नहीं जाऊंगा जब तक मुझे खाला माफ नहीं कर देती। इसके बाद जुनेद का अबू जोया की अम्मी से पूछता, क्या तुमने जुनेद को माफ कर दिया है? अगर तुमने माफ कर दिया है तो उसे दरवाजे के सामने जाओ और उसे लेकर आओ, क्योंकि वो इस वक्त तक घर में दाखिल नहीं होगा जब तक तुम उसे माफ नहीं कर दो। ये सुनकर जोया की अम्मी उठकर चली जाती है। दूसरी तरफ जुनेद जोया से माफी मांगता कि जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया मैंने बुरा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम मुझे माफ कर दो। जोया कहती है कि जो कुछ हम दोनों के साथ हुआ वो किस्मत में लिखा हुआ था, इसे तुम भूल जाओ, ये तुम्हारी गलती नहीं है और ना ही मेरी गलती है। इस पर जुनेद कहता है, अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो हमें चाहिए कि हम दोनों अपनी सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारे। पहले तो वो इनकार कर देगी लेकिन बाद में उसकी अम्मी बताएगी कि वो तुमसे मोहब्बत करता है और तुम भी उससे मोहब्बत करने लग पड़ी हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि उससे शादी कर लेनी चाहिए और उसकी बात मान लेनी चाहिए। इस तरह जुनेद और जोया की आपस में शादी हो जाती है।